नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो आज किस टॉपिक पर वीडियो है, तो देखिए, सभी माताएं बहनें मुझसे सपोर्ट मांगती हैं कि मेरा व्यूज नहीं बढ़ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे वॉच टाइम नहीं कम्प्लीट हो रहा है। तो देखिए, जब वॉच टाइम तब कम्प्लीट होगा जब आपके चैनल पर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर भी तभी बढ़ेंगे जब आपके चैनल पर व्यूज आएंगे। तो सारा सिस्टम घूम फिर कर सिर्फ व्यूज पे ही आता है। जब आपके चैनल पर व्यूज आने लगेंगे अच्छे खासे, तो आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा और चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो देखिए क्या दिक्कतें होती हैं, कभी कभी किसी किसी के मोबाइल में ये दिक्कतें आ जाती हैं, मतलब उनके चैनल पर, मोबाइल में नहीं कह रहे हैं, मतलब उनके चैनल पर कह रहे हैं, कभी चैनल पर ये दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि मेरे भी चैनल पर आ गई थी, तो हमने सोचा कि सभी लोग के चैनल पर शायद ये दिक्कतें आती हों, क्योंकि मेरे चैनल पर जब ये चीज आया तो मेरा बहुत कम व्यूज आने लगा। मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गया है, लेकिन व्यूज उतने खासे नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या किया कि अपने चैनल पर जो हमारे देखा कि हमने क्या दिक्कत है हमारे चैनल पर, तो उसको हमने चेक किया। जब देखा मैंने कि अरे ये तो मेरे चैनल पर ये हुआ है, मतलब इस वजह से मेरा व्यूज बहुत कम आ रहा है, तो इसी चीज को आज सॉल्व करने वाले हैं। और आप भी जाकर अपने मोबाइल में चेक करिए, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो जाकर ऐसे देखते देखते जाइए, हमारे साथ अपना काम करते करते देखिए कि हमारे मोबाइल में भी तो नहीं आया है, यानी कि हमको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आए हैं हमारे चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं, चलिए। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपना जीमेल ओपन करना है। आप अपना जब जीमेल ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे, आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं यूट्यूब की तरफ से, कहीं से भी कुछ भी आते हैं, तो आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे या फिर आपको फ्रंट पे ही ऊपर ही मिल जाएगा। देखिए, मुझे एक मेल आया है कि मेरे चैनल सुमन के लोकगीत पर ये मेल आया है। मेल क्या है कि योर यूट्यूब शॉर्ट हैज बीन म्यूट एंड मार्केट एज अनलिस्टेड, यानी कि मेरी जो ये वीडियो है वो अनलिस्टेड कर दी गई है, यानी कि म्यूट कर दिया, म्यूट हो गई है इसकी आवाज। कैसे, मतलब ये मेल सभी के, हम नहीं कह रहे कि सभी की मोबाइल में आई होंगी सभी के चैनल पर। देखिए, जो लोग दूसरों की वीडियो की आइडियो लेते हैं उसको ये सामना करना पड़ जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। क्योंकि देखिए, आप किसी की वीडियो ले लिए, उसके बाद फिर उसने जिसकी वीडियो आप लिए हैं वो अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। मान लीजिए हमने वीडियो, हमारा तो नहीं, हम तो नहीं डिलीट करेंगे, मेरा गीत तो बहुत सारे लोग लेते हैं। तो देखिए, ऐसे ही आपको जीमेल आएंगे और आप उस पर टच करेंगे तो यही सब, ये जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं साइड में। तो देखिए, ये किस लिए आता है, जब आप किसी की वीडियो लेते हैं, मतलब वीडियो की आइडियो लेते हैं, अगर मान लीजिए वो अपनी वीडियो डिलीट कर दी, मान लीजिए आप किसी का वीडियो की आइडियो ले लिए और वहाँ नीचे टच करके आपने उसकी म्यूजिक को ले लिया और आपने डाला वीडियो और उस पर आपके मान लीजिए आपको 10-20-15 व्यूज, उससे मतलब नहीं है चाहे जितना व्यूज आए, लेकिन क्या किया, जिसका वो गाना था उसको भी अच्छा खासा व्यूज नहीं आया, तो उसने अपनी वीडियो को सोचा कि इसमें व्यूज भी नहीं आ रहे हैं और डिलीट कर देते हैं। तो जब डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है कि वो वीडियो भी अब नहीं रही, और वो आइडियो जो आपने लिया है, जिस पर आपने वीडियो बनाया है, जिनकी आइडियो लेकर, आपकी आइडियो की आवाज बंद हो जाएगी, उसी को कहते हैं म्यूट। म्यूट हो जाना मतलब आवाज बंद हो जाना। तो जब ये आवाज बंद हो जाएगी तो आप जब अपनी वीडियो को चलाएंगे तो केवल आपकी वीडियो चलती रहेगी, उसमें कोई आइडियो नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि उस आइडियो का जो आदमी था वो उसने अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया है, चाहे गीत के चैनल वाले हो, चाहे जो भी हो, जिसका भी जो नया कोई अपने से आइडियो बनाया रहता है। जैसे मेरा गीत का चैनल है, मेरे गीत तो बहुत सारी माताएं बहनें लेती हैं, तो मैं नहीं कह रही कि मैं वीडियो डिलीट करूंगी, क्योंकि मुझे डिलीट करने से मेरा ही घाटा है। मैं नहीं कहूंगी कि आप मेरी वीडियो मत लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी किसी के चैनल पर ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मेरे चैनल पर आया था, तो इसलिए हम ये प्रॉब्लम आप सबसे शेयर कर रहे हैं। तो इससे मेरा वीडियो का बहुत कम रीच हो गया, यानी कि मेरे वीडियो पर बहुत कम व्यूज आने लगे, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। हमने सोचा किस लिए मेरे चैनल पर व्यूज बहुत कम आ रहा है, तो हमने अपने जीमेल पर जाकर चेक किया, तो मुझे ये फेस दे, मतलब ये देखना पड़ा कि मेरे जीमेल पे तो आया है, म्यूट करके आया है एक जीमेल। तो अब हमको क्या करना है, हमको उस वीडियो को डिलीट कर देना है। उस वीडियो को हम डिलीट कैसे करेंगे, आपको कैसे मिलेगा वो वीडियो, कैसे पता करेंगे कि हमारी कौन देखते हैं, कि हमारे चैनल पे आया है वो म्यूट कि नहीं आया है। अब आप कंफ्यूज भी तो हो जाएंगे कि आया है, कौन सी वीडियो है, कहाँ है, कितनी पुरानी वीडियो पर आई है, तो आपको ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होगी ना।
तो चलिए हम बताते हैं। अब आप स्क्रीन पे देखिए और देखिए, ये जीमेल मुझे 2 दिन पहले ही आया है, इसलिए सुमन के लोगी चैनल पर 2 दिन पहले ही आया है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप भी अपने चैनल पर ये सुधार कर सकें। नहीं तो आपका भी बहुत कम व्यूज आ रहा होगा, जिसके चैनल पे ये आ जाता है बहुत कम व्यूज आता है। तो चलिए सुधारते हैं कैसे करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, मतलब जिस पर आपको जिस चैनल पर आपका म्यूट आया हो, क्योंकि उसमें चैनल भी दिखता रहता है कि कौन से चैनल पर आया है। तो आप अपने योर वीडियो पर जा करके और कोई भी अपनी एक वीडियो चला करके चला लेंगे, तो फिर आपको यहाँ आपका लोगो दिख रहा होगा, उस पर टच करेंगे तो आपको कुछ ऐसे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो देखिए आ गया। अब आपको यहाँ मतलब दिख रहा होगा लेटेस्ट, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर जिसके में आया है उसको हम 4 दिखेंगे, जिसके में नहीं आया है उसको 3 ही ऑप्शन दिखेंगे। और उसके बाद देखिए, अब इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जो आपको साइड में मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, देखते रहिए। आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है अनलिस्टेड का, तो यही है अनलिस्टेड, जो कि अब ये नया मतलब अपडेट दे दिया है। नहीं तो पहले नहीं, पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था। अगर ये जिसके चैनल पे आ जाता था, इस वीडियो को ढूंढने के लिए वाइट स्टूडियो में जाना पड़ता था और बहुत सारी वीडियो को स्क्रॉल करना पड़ता था। ऐसा कि म्यूट कभी कभी 1 साल पुरानी वीडियो पे आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है ढूंढने के लिए ना। तो यूट्यूब ने सोचा कि इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो इसको डिलीट करने में, क्योंकि जब ये आ जाता है तो वीडियो में व्यूज बहुत ही कम आने लगते हैं। तो देखिए अब करना क्या है, तो देखिए मैंने अनलिस्टेड पर टच किया तो मेरी एक वीडियो थी जो कि म्यूट हो गई थी आवाज, वो दुर्गा पूजा का मतलब वीडियो था जो मैंने डाला था दूसरे की आइडियो लेकर, तो वही है, वो म्यूट हो गई है। तो इस वजह से मेरे चैनल पर व्यूज बहुत ही कम आ रहे थे। तो हमने चेक किया तो देखिए मेरे यही वीडियो है जिसपे म्यूट आया था। तो अब हम इसकी वीडियो को क्या करेंगे, इस वीडियो को हमको अब कर देना है डिलीट, क्योंकि अगर हम इसको डिलीट नहीं करें, वैसे तो ये 1 महीने बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमको इसको डिलीट अपने से ही कर देना है। तो देखिए आपको तीर दिख रहा होगा, वहाँ 3 बिंदी दिख रही होंगी आपको, उसी 3 बिंदी पर आप टच करेंगे ना, तो आपको ये व्यू एनालिटी, एडिट, ऐसा करके 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो डिलीट मिलेगा, आप डिलीट कर दीजिए वीडियो को वहां से। अब देखिए आप क्या करना है, अब आप उसको, तो देखिए अब जो मैंने वीडियो डिलीट कर दी वो वीडियो अब नहीं है, तो वो वीडियो अब डिलीट हो गई। तो अब थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा, फिर मेरे चैनल पर पहले जैसा व्यूज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको आने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है चैनल पर। यूट्यूब सोचता है कि मतलब ये जो ले रहे हैं, मतलब ये अच्छे से अपने चैनल पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके चैनल पर म्यूट आ जा रहा है। तो इसलिए काम अच्छे से करिए और अपना चेक करते रहिए कि मतलब मेरे चैनल पर म्यूट आया होगा कि नहीं आया है, और अपने जीमेल को हमेशा चेक करते रहिए, अपने मतलब मैसेज जो आते रहें यूट्यूब से कुछ भी, उसको चेक करते रहेंगे। जब आप सारी चीज़ों को चेक करते रहेंगे तो उसी हिसाब से आप काम कर पाएंगे। और मेरे चैनल पे ये दिक्कत आई थी तो इसलिए हमने आपसे शेयर किया, और मुझे 2 दिन बाद पता चला जब मेरे चैनल पे व्यूज बहुत कम आने लगे, तो हमने सोचा किस लिए व्यूज कम आ रहे हैं, तो हमने अपना जाकर जीमेल चेक किया तो वहां पे मुझे म्यूट का मतलब मेल आया था। तो इसलिए आप भी अपने चैनल पे जाइए और चेक करिए कि आपको ये मेल आया है कि नहीं, और जैसा हमने बताया वैसे जाकर चेक करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिलेंगे। अगर आपको नहीं मेल आया होगा, नहीं कुछ है, तो आपको वो अनलिस्टेड का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो मेरे में आया था इसलिए मेरे में ऑप्शंस मिले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप में ये दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।